हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशंस की। इसके पहले लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो जो भी लेक्चर्स हमने लिया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में लिया था, थोड़ा सा निजी जीवन के कारण जो है क्लास नहीं ले पाया। तो आज थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशंस की बात करेंगे। ओके, थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करने का प्रयास करूँ तो हमने जब स्टार्ट किया था तो इंटीग्रल्स स्टार्ट किया था। ऑलराइट, तो हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रल्स, जिसमें तीन सेक्शंस हमने बताए थे कि एक साथ करेंगे, जबकि मैं दो ही कराऊंगा, एक को होल्ड करूंगा। जब मैं फंक्शंस को पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं उसके प्रोसीड करूंगा। ऑलराइट, तो अगर फर्स्ट पोर्शंस की हम बात करें तो यहाँ पे हमने कवर जो अभी तक कर लिया है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। सेकेंड वन की अगर हम बात करें जो आज हम प्रोसीड करेंगे वो है हमारा डेफिनिट इंटीग्रल्स। ऑलराइट, डेफिनिट इंटीग्रल्स। और थर्ड पोर्शन की अगर हम बात करें तो एरिया अंडर द कर्व। ऑलराइट, एरिया अंडर द कर्व। इस पोर्शन को हम थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, या इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ऑलराइट, तो इसको मैं होल्ड करूंगा क्योंकि इस पोर्शन को कवर करने के लिए मुझे ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ग्राफ्स अभी हमने पढ़ाया नहीं है। अगर मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं पहले ग्राफ डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही मैं कवर करूंगा। तो आज के पोर्शंस की अगर हम बात करें तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि थोड़ा सा आगे बढ़ लेता है इनडेफिनिट के, थोड़ा सा आगे बढ़ लेता है, और कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं उसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, अगर मैं बात करूँ इसके इनडेफिनिट की बात करूँ तो इनडेफिनिट में मैंने 20 लेक्चर्स लिए हैं। ऑलराइट, 20 लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉपर्टी लगी हुई है इनडेफिनिट में, सेम जो है डेफिनिट में भी यूज़ होती है, क्योंकि इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियम्स को अगर हम जान लेंगे तो डेफिनेट भी हमारा डेफिनेटली कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व, इसको हम बाद में बात करेंगे, जब भी मैं फंक्शंस को पढ़ाऊंगा उसके पहले ग्राफ्स की बात करेंगे और फिर हम एरिया अंडर द कर्व को कवर करने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, तो अभी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसकी भूमिका को। तो हेडिंग डालेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, थोड़ा सा जान लेते हैं ये होता क्या है, क्या है, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, उसके बाद हम तुरंत क्वेश्चंस और इसके प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ऑलराइट, तो अगर मैं थोड़ा सा लिखूं, ए डेफिनेट इंटीग्रल इज डिफाइंड या डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ऑलराइट, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इसके बाद अभी सब बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है, कैसे है। ऑलराइट, तो इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें अपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस की, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इसी फंक्शंस को सिर्फ ऐसे राइट करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ऑलराइट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसमें अगर गौर से देखेंगे तो एक बदलाव आया है, और वो छोटा सा बदलाव है जो इसके लिमिट्स पे जो है हमने एक संख्या लगा दिया है, एक नंबर लगा दिया है ए और बी, बाकी कोई भी बदलाव नहीं है। हमें इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं और इस लिमिट को कैसे प्रोसीड करना है ये यहाँ पे सीखना है। ऑलराइट, थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें और बातों को लिखें तो देखे पाएंगे कि वेयर, थोड़ा सा इसको और लिखते हैं, वेयर ए को हम यहाँ पे बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, एंड बी को हम बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ऑलराइट, सब कुछ बेसिक है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। जो भी हम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, उसमें मैंने दो लिमिट लगा रखा है ए टू बी। अच्छा, थोड़ा सा और अगर हम बात करें जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उससे ये कुछ अलग नहीं है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अब यहाँ पे आप देखिए, इसको जो ऊपर लगा होता है उसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं और जो नीचे लगा होता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। अगर इसमें लिमिट डिफाइंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें लिमिट डिफाइंड नहीं है तो हम इसको नाम दे दिए थे इनडेफिनिट। क्या नाम दिए थे? इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ऑलराइट, कुछ भी एडवांस नहीं है, सब बेसिक है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं था, कितना हम लिमिट लगा रहे हैं, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया? इनडेफिनिट दे दिया। और जैसे ही इसमें हमने लिमिट लगा दिया, हमने इसका नाम बदल के क्या कर दिया?
डेफिनेट, जो कि क्या होगा, डिफाइंड होगा, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब अभी तक हमें सिर्फ ये समझ में आया कि हम लोग अगर इनडिफिनिट पढ़े हैं उससे अगर डेफिनेट में आना चाहे तो सिर्फ उसमें एक लिमिट लगा देते हैं तो हमारा पूरा क्वेश्चन इनडेफिनिट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेफिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉपर्टी की बात करें और किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में इसको लिखूं कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू अगर जी एक्स प्लस एक ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी आती थी, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब भी हम एक नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज करते थे और वो इनडेफिनिट का होता था, जैसा यहाँ पे लिखा है, अगर हम मान ले कि कोई एक इंटीग्रेशन है एक फंक्शन का और उसका आंसर आता है जी एक्स प्लस एक ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, देन इफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कर देंगे तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आता है, हमें क्या करना होता है, केवल लिमिट लगाने से इसको अब किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से आंसर को राइट करने का प्रयास करेंगे वो यहाँ पे सीखेंगे। जैसे यहाँ पे लिमिट लग गया, आंसर तो मुझे पता है, एक फंक्शन एफ एक्स है उसका रिजल्ट आता है जी एक्स प्लस एक ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट, तो हम क्या करेंगे, उसके रिजल्ट को एज इट इज़ लिखेंगे और इस पर एक लिमिट जो हमने ले रखा है डेफिनेट के, जो हमने डिफाइन कर रखा है ए टू बी, उसको यहाँ पे प्रोसीड करेंगे ए टू बी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, कभी भी जो फंक्शन लिखा है जो रिजल्ट आया है उसमें वेरिएबल के प्लेस पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपर लिमिट को प्लेस कर देते हैं एज इट इज़। ओके ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी प्लस का सी। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें माइनस करके जो लोअर लिमिट होता है वेरिएबल्स की जगह उस फंक्शन में उसको प्लेस कर देते हैं, दैट मीन्स कि जी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, जी ऑफ ए प्लस का एक ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, जैसे है वैसे मैंने लिख दिया। दैट मीन्स कि जो भी रिजल्ट होता है उसमें वेरिएबल के जगह पे हम अपर लिमिट माइनस उस फंक्शन में वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट का यूज करते हैं। क्लियरली, ओके, आगे अगर हम लोग देखें, इसी को थोड़ा सा प्रोसीड करें और सिंप्लीफाई करें तो कुछ मुझे समझ में आएगा। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, जी ऑफ बी प्लस सी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस जी ऑफ ए माइनस का सी। ऑलराइट, तो हम अगर यहाँ पे देख पाए, एक प्लस सी है और एक माइनस सी है, एक प्लस सी एक माइनस सी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट बच के आएगा वो आएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास, अगर मैं फाइनल वे में यहाँ पे लिखूं कि इफ अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स जिसका रिजल्ट आता है, जिसका रिजल्ट आता है जी एक्स प्लस सी, ऑलराइट, अगर इसी में हमने ये कर दिया कि देन, अगर हमसे ये पूछा जाए देन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, अगर यहाँ पे हम लिख दें एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हमें क्या करना रहता है, रिजल्ट लिखने के लिए सिर्फ फंक्शन में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, दैट मीन्स कि जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो अभी हमने यहाँ पे प्रोसीड किया, इसमें आप देखिए ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट हमेशा इसमें कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जिस फंक्शन को हम लिखते हैं विथ ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट और हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं विथ ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट, तो वो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, उस फंक्शन में अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट की जरूरत हमें डेफिनेट में नहीं होती है, ये बात यहाँ से क्लियर हो जा रही है। ओके, तो मैं इसको एक लाइन लिख भी दे रहा हूँ जिससे याद रहेगा और ये बातें स्पष्ट भी रहेंगी, तो थोड़ा सा नोट करके इसको लिखेंगे, इन द क्वेश्चंस इन द डेफिनेट इंटीग्रल्स, ओके ऐसे लिखेंगे, इन द डेफिनेट इंटीग्रल्स, इन द डेफिनेट इंटीग्रल्स डू नॉट राइट, do not need to write, do not need to write, do not need to write an arbitrary constant, an arbitrary constant, okay? तो हम क्या करेंगे, अब कभी भी जब भी हम देखेंगे ये डेफिनेट का सवाल है उसमें कभी भी हम ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट को ऐड नहीं करेंगे, उसका रीजन क्या है, वो कैंसिल हो जाता है लास्ट में, जो कि एक सिर्फ वैल्यू बचता है। ओके, और थोड़ा सा एक और लिखें, All the definite integrals have a fixed value or number. All right, बिल्कुल आसान है, जिसने भी indefinite को
सीखा है उसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी. ऑल द डेफिनेट इंटीग्रल्स हैव ए फिक्स्ड वैल्यू और नंबर. ओके, आप यहाँ पे देख पाएंगे जो रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये क्या है, एक फंक्शन है. उस फंक्शन में जब भी हम कोई लिमिट रखेंगे तो हमें एक नंबर प्रोड्यूस करेगा, जबकि इनडेफिनिट हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी इनडेफिनिट को सॉल्व करके मुझे एक फंक्शन ही ऑप्टेन होता था. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करेंगे तो यहाँ मुझे फंक्शन ना ऑप्टेन होके एक रिजल्ट ऑप्टेन होगा, जो कि एक फिक्स नंबर होगा और एक फिक्स वैल्यू होगी. ऑलराइट, तो थोड़ा सा अब हम लोग क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा धीरे धीरे इसको प्रोसीड करते हैं तो एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से इसको करते हैं. ऑलराइट, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं कि जैसे हमसे पूछ लिया, फाइन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेरी बेसिक, 2 to 5. ओके, यहाँ पे लोअर लिमिट हमने 2 रखा है, अपर लिमिट क्या रखा है, 5 रखा है. तो हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को प्रोसीड करने के लिए हम लिमिट को लास्ट में यूज़ करते हैं. इसके पहले मुझे क्या करना रहता है, उस क्वेश्चंस को इनडेफिनिट की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके उसे सॉल्व करना होता है. ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिमिट पे ध्यान हटाएंगे लिमिट से, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको डेफिनेट के जो भी बेसिक्स रूल्स मैंने अप टू 20 क्लास में लिया है उसको यूज़ करेंगे, और लास्ट में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट यूज़ कर लेते हैं, माइनस उसी फंक्शन में एक बार लोअर लिमिट यूज़ कर लेते हैं. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें याद आ रहा है कि एक्स की पावर एन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते थे तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस आता था. बहुत बेसिक है, तो ये स्टार्टिंग के पहले लेक्चर्स में ही मैंने इसको डिस्कस किया था. तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करेंगे तो देखिए, अगर आप डेफिनेट इनडेफिनेट भूल गए होंगे तो उसको रिकॉल करिए, क्योंकि बिना उसको रिकॉल किए आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते. ऑलराइट, देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एक्स की पावर 3/3 और जो लिमिट लगा हुआ है उसको मैं लगा दूंगा 2 to 5. ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, वेरी बेसिक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे वेरिएबल्स की जगह पे 5 to the power 3/3. ऑलराइट, माइनस उसी में हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे 2 to the power 3/3 में क्या लिखेंगे, 3. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 125/3 - 8/3 कितना आ जाएगा, 3. 3 को ले लेंगे एलसीएम. ऑलराइट, तो कितना हो जाएगा, 125 माइनस 8, वेरी बेसिक, यू कैन डू इट. ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 117/3. ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे हमने प्रोसीड किया था एक इनडेफिनिट से, लेकिन उसमें जैसे ही मैंने लिमिट लगा दिया और उसको डेफिनिट बना दिया तो आप यहाँ पे पाएंगे इसका रिजल्ट कैसा आता है, एक फिक्स वैल्यू आता है जो कि एक फिक्स नंबर हमें दिख पा रहा है. ओके, ऑलराइट, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं तो एक क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. ऑलराइट, ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx. ऑलराइट, बिल्कुल आसान है. अगर हम यहाँ से थोड़ा सा अभी मैं रिकॉल करा रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे प्रॉपर्टी यूज़ होगी मैं वहाँ पे बताता रहूँगा. अगर हम लोग देखें, हमें याद है कि बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या आता है, साइन एक्स. ओके, ऑलराइट, साइन एक्स आता है. तो क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, यहाँ से हमसे पूछा है कि कॉस एक्स डी एक्स और उस पर लिमिट लगा दिया है 0 to π/2, दैट मीन्स कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स. वेरी बेसिक, इतना तो आना चाहिए, 0 to π/2. ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, एक बार वेरिएबल्स की जगह अपर लिमिट यूज़ करेंगे, दैट मीन्स कि sin π/2. ओके, माइनस sin 0. ओके, फाइन, तो यहाँ पे देखिए sin π/2, दैट मीन्स कि sin 90. ऑलराइट, कितना हो जाएगा, sin 90 माइनस sin 0. और सभी को पता है कि क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को, अभी जैसे समय मिलेगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको भी कवर करूँगा बारी बारी से. तो सबको पता होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, तो उस टेबल में अगर हम देखें साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट मीन्स कि साइन 91 एंड साइन 00 यहाँ से क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 आ जाएगा. ये भी देखिए एक फिक्स नंबर है और एक फिक्स वैल्यू है. ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन से. अभी मैं बड़ा भी क्वेश्चन लूँगा, ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाना ही पड़ता है कि ताकि लगे कि हाँ सीख रहे हैं, अदरवाइज अभी बड़े क्वेश्चन कराएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा. फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कराएंगे. ओके, ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे. ओके, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 5x² - 3x dx. ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, x की पावर n और x का यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे.
कोई भी एडवांस नहीं, सिर्फ लास्ट में हम क्या करेंगे, एक लिमिट को यूज़ करते हैं। ओके ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए एक और एक इंटीग्रेशन मुझे ज़रूरत पड़ेगा x की पावर n का, जिसको हम लिख देंगे x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x तो वेरी बेसिक है, ये तो उसी में आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, जिसको लिखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज़ कर ले रहे हैं। ओके फाइन, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँ तो हमारे सामने जो ये है इसको अगर हम ओपन करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x टू द पावर 3 बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट लगा देंगे कहाँ से, 1 से 2 तक। ऑल राइट, बिल्कुल आसान है, 1 से 2 तक हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, और एक बार अपर लिमिट को यूज़ करेंगे और दूसरी बार कहाँ पे यूज़ करेंगे, लोअर लिमिट यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जस्ट ए सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल बेसिक। तो यहाँ पे 1 यूज़ किया, यहाँ पे 2, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 का क्या हो जाएगा क्यूब बाई 3 माइनस 3 2 का स्क्वायर बाई 2। ऑल राइट, ये अभी मैंने अपर लिमिट को यूज़ किया है, अभी मैंने अपर लिमिट को यूज़ किया है, माइनस इसमें क्या करेंगे, लोअर लिमिट को यूज़ करेंगे, 5 इंटू 1 टू द पावर 3 बाई 3 माइनस 3 1 का स्क्वायर बाई 2। ऑल राइट, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे लोअर लिमिट अभी मैंने यूज़ किया है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में क्या लिखेंगे, 3। ऑल राइट, माइनस 3 टू टू जो कितना हो जाएगा, 4 बाई 2। ऑल राइट, ये अपर लिमिट का है, माइनस लोअर लिमिट की अगर हम बात करें, 5 बाई 3 माइनस 3 बाई 2। ऑल राइट, बिल्कुल आसान है। तो थोड़ा सा इसको अगर हम लोग देखें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, 40 बाई 3 माइनस 12 बाई 2। ऑल राइट, माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5 बाई 3 प्लस का 3 बाई 2। ऑल राइट, तो लिमिट को हमने यूज़ कर दिया, यहाँ पे सिंपल एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 माइनस 36, 2 3 जा और 12 3 जा 36 माइनस 10 प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। ऑल राइट, बिल्कुल आसान है, जोड़ना घटाना तो आना ही चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 89 माइनस 46, 89 माइनस 46 बाई 6। ऑल राइट, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 43 बाई 6। ऑल राइट, बिल्कुल आसान है। तो ये देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया, यहाँ पे जो सीखना है, सवाल करने में दिलचस्पी नहीं है हमारी, यहाँ पे जो सीखना है किस तरीके से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यूज़ करके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अब धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस के दायरा को बढ़ाएंगे और थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे, तभी समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा है। ओके, तो लिखेंगे, ओके फाइन फाइन इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 5 मॉड एक्स डी एक्स। अब देखिए क्वेश्चन जब भी पूछता है, चाहे आईआईटी जेई में या बोर्ड में, वो कभी भी बिल्कुल बेसिक नहीं पूछेगा, बिल्कुल बेसिक पूछने का कोई औचित्य भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक अगर कोई पूछ ले तो फिर एग्जाम की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, अब देखिए मॉड एक फंक्शन यहाँ पे आ गया, तो मुझे मॉड की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, अगर मॉड की प्रॉपर्टी आपको नहीं आ रही है तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करूँ, मॉड एक्स कभी भी किस दो तरीके से ओपन होता है, मॉड एक्स की एक वैल्यू प्लस एक्स में आती है और मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स में आती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे ये है, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम मॉड को सदैव प्लस साइन के साथ ओपन करते हैं, एंड इफ एक्स लेस देन जीरो, दैट मीन्स कि अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो हम मॉड को सदैव नेगेटिव साइन के साथ ओपन करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए अब इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही हो जाती है कि जब भी हम मॉड के साथ कोई फंक्शन देते हैं तो हम हमेशा ऐसे उसको लिमिट में ब्रेक करते हैं, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले के साथ ब्रेक करेंगे, माइनस है तो माइनस के साथ, इस तरीके से। आगे मैं अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें लूँगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लिमिट हमें दिया है वो 2 टू 5 है, और 2 टू 5 हमेशा कैसा लिमिट होता है, पॉजिटिव लिमिट है, दैट मीन्स कि जो हमें वेरिएबल्स में रखना है वैल्यू वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे। दैट मीन्स कि 2 टू 5 मॉड एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू 5 एक्स डी एक्स। अब देखिए बिल्कुल सवाल आसान हो गया, जब तक वो मॉड में था तब तक डिफ़िकल्टी समझ में आ रही थी, मॉड से जैसे ही बाहर हुआ हमारी डिफ़िकल्टी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा देंगे, 2 से 5। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें अपर लिमिट को यूज़ करेंगे, अपर लिमिट क्या है, 5 का स्क्वायर बाई 2
माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट यूज़ कर लेंगे, तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन कितना हो जाएगा 25 बाई 2 माइनस 4 बाई 2। ऑलराइट, तो इसको जरा सा आगे अगर हम लोग बढ़ें तो एलसीएम ले लेंगे 2, कितना आ जाएगा 25 माइनस 4, दैट मीन्स कि 21 बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिर भी अभी भी यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, एक वैल्यू ऑब्टेंड हो रहा है, न कि कोई फंक्शन। कभी भी जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट सदैव एक नंबर होगा। और कैसा नंबर होगा? एक फिक्स्ड नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? एक फिक्स्ड नंबर होगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस कराते हैं। ओके फाइन, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। ओके ऑलराइट, तो लोअर लिमिट को हमने रखा है पाई बाई 6 और अपर लिमिट को हमने रखा है पाई बाई 2। साइन टू द पावर 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अच्छा सवाल है। अच्छा, अब देखिए, जब भी हमारे साथ, याद करिए, जब भी हमारे क्वेश्चंस में साइन एक्स और कॉस एक्स आता था, कॉस एक्स डी एक्स के साथ है, दैट मीन्स कि अगर साइन एक्स को हम क्या करेंगे, मान लेंगे कोई फंक्शन, कोई अदर वेरिएबल मान लेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम अगर देखें तो हम अगर ऐसा अज्यूम कर लें, अब ये आपके लिए वेरी बेसिक होना चाहिए कि यहाँ पे साइन और कॉस एक्स है तो किसको मुझे क्या मानना है ना, क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स के साथ है तो हम किसको मानेंगे, साइन एक्स को, एक अदर फंक्शन मान ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं। और इस सवाल को करने के मैं दो मेथड बताऊंगा, और यहीं पे हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से हम लिमिट को चेंज भी कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम डाल रहे हैं मेथड नंबर 1। ऑलराइट, ये है हमारा मेथड नंबर 1। तो किस तरीके से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, ये बेसिक स्टेप है, देखिएगा। तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। ऑलराइट, साइन एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, टी। अगर साइन एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, साइन एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो अब करेंगे क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स। ओके ऑलराइट, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, डी टी। दैट मीन्स कि कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, डी टी। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस को अगर हम रिफॉर्म करें, क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पे रिफॉर्म करें, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। ऑलराइट, और यहाँ पे साइन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, टी। दैट मीन्स कि यह क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 3, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी टी। ऑलराइट, बिल्कुल बेसिक है, जरा सा भी एडवांस नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। जिसने भी 20 क्लास अटेंड किया होगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, आप देखिए ये वेरिएबल किस में है, टी में है, और इसका ऑपरेटर भी किस में है, टी में है। डी टी पार्शियल डिफरेंशिएशन भी किस में है, टी में है। दैट मीन्स ये हो जाएगा टी टू द पावर 4 बाई 4, बिल्कुल बेसिक है। और यहाँ पे अब लिमिट हम लगाएंगे पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब सोचिए, जो लिमिट हमें दिया गया है वो टी के लिए नहीं दिया गया है, लिमिट हमारा दिया गया है वेरिएबल एक्स के लिए। लिमिट किसके लिए दिया गया है, वेरिएबल एक्स के लिए। तो हम अब यहाँ पे गलती होती है, हम टी में ये लिमिट नहीं प्रोसीड कर सकते। क्यों? क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन हमारा एक्स में था, तो इसका मतलब जो लिमिट दिया गया है वो एक्स वेरिएबल के लिए दिया गया है, न कि टी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम साइन में एक्स में फिर से कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, टी की जगह लिखेंगे साइन एक्स, इसका पावर क्या हो जाएगा, 4, अपान में क्या लिखेंगे, 4। अब यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे क्या, पाई बाई 6। ऑलराइट, पाई बाई 6, और ऊपर अपर लिमिट क्या, पाई बाई 2। तो यहाँ पे अब हम साइन एक्स की जगह रख सकते हैं लिमिट, क्योंकि हमें जो लिमिट दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, एक्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, इसका पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, अपान में 4, दिस इज द अपर लिमिट, माइनस साइन पाई बाई 6 की पावर 4, अपान में क्या कर देंगे, 4, दिस इज द लोअर लिमिट। ओके ऑलराइट, अब देखिए पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, साइन 90, कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, पावर क्या लिखेंगे, 4 अपान 4, और साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, साइन 30। ऑलराइट, साइन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, इसका पावर 4, अपान में क्या कर देंगे, 4। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 की पावर 4 बाई 4, माइनस साइन 30 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो साइन 30 होता है हमारा 1 बाई 2, कितना होता है, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का पावर कितना लिखेंगे, 4 बाई 4। ऑलराइट, आगे अगर हम प्रोसीड करें तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
वन बाई सिक्सटीन, ऑल राइट, अपान में क्या लिखेंगे, फोर, फोर का अपान अगर हम वन करें और इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो वन बाई फोर माइनस फोर बाई कितना आ जाएगा, सिक्सटी फोर, जस्ट अ सिंपल सिंप्लीफिकेशन। अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे कितना, सिक्सटी फोर, ऑल राइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिक्सटीन माइनस वन, ओके फाइन। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 15 बाई कितना आ जाएगा, 64, विच इज आल्सो ए कांस्टेंट नंबर, ओके। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे जो सीखना था मेथड नंबर वन में जो सीखना था वो ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी लिमिट जो होता है जिस वेरिएबल के लिए दिया होता है उसी वेरिएबल में हम पुट करते हैं, कहीं भी हम लिमिट को प्रोसीड नहीं कर देंगे, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये सीखना भी है कि लिमिट को हम जिस वेरिएबल में वो दिया है उसी वेरिएबल में देते हैं या उस लिमिट को भी हम चेंज करते हैं, उस लिमिट को भी हम चेंज करते हैं, तो मेथड नंबर टू में हम सीखेंगे, ऑल राइट। यहाँ पे डालेंगे मेथड नंबर टू, ओके, मेथड नंबर टू उसी सवाल के लिए हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम अपर और लोअर लिमिट को अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ऑल राइट। तो अगर हम लोग देखें तो इसी क्वेश्चंस को हम प्रोसीड कर रहे हैं, ऑलराइट, पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू, पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू, ऑलराइट, साइन टू द पावर थ्री, एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ऑलराइट। हमने क्या किया था, हमने जो किया था वहां तक हम लेके चलते हैं, हमने ये किया था कि लेट साइन एक्स इक्वल टू, हमने टी मान लिया था और मैंने फिर लिख दिया था कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ऑलराइट। तो पूरा क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया था पाई बाई सिक्स से, किस में, पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू, और यहाँ पे आ गया था टी टू द पावर थ्री डी टी, ऑल राइट। अब देखिए ये जो लिमिट हमने लगा दिया यहाँ पे, ये लिमिट लगा दिया, अब अगर ये फंक्शन टी में है, फंक्शन टी में है तो हमारा जो लिमिट होगा वो भी टी वेरिएबल के लिए होना चाहिए न कि एक्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिमिट को किस तरीके से चेंज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ओके। तो देखिए हमने ये माना है कि साइन एक्स इक्वल टू टी, अब हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर अपर लिमिट, ऑल राइट, फॉर अपर लिमिट। अपर लिमिट के लिए हमने क्या देखा है कि x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम क्या रखेंगे, पाई बाई टू, ऑल राइट। तो ये जो फंक्शन हमने अज्यूम किया है, क्योंकि वेरिएबल हमने ये t माना है, इसी में है, x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे पाई बाई टू। तो जो t की वैल्यू ऑप्टेन होगी वो होगा हमारा क्या, अपर लिमिट। दैट मीन्स कि हम अगर लिखें कि साइन साइन पाई बाई टू इक्वल टू टी, ऑल राइट, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 इक्वल टू टी, दैट मीन्स कि टी इक्वल टू 1, दिस इज द अपर लिमिट, ऑल राइट। तो यहाँ पे ये सीखना है कि किस तरीके से मैंने चेंज किया, तो हमेशा अब यही काम आएगा, हम वेरिएबल्स को जिस वेरिएबल में ले जाएंगे लिमिट भी उसी वेरिएबल में यूज़ करेंगे, ओके। तो ये अपर लिमिट के लिए हो गया। अगर मैं लिखूँ फॉर लोअर लिमिट, ओके, फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए भी हमने क्या मान रखा है, साइन एक्स को मैंने टी मान रखा है, साइन एक्स को हमने टी मान रखा है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू अब क्या रखेंगे, पाई बाई सिक्स, एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स रखेंगे इस फंक्शन में, जैसे ही रखेंगे तो जो टी का मान आएगा वो हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, ऑल राइट। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी एडवांस नहीं है, पेशेंस के साथ देखेंगे समझ में आएगा, ऑल राइट। तो हम क्या करेंगे, साइन पाई बाई सिक्स, ऑल राइट, इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी, ऑल राइट। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन थर्टी, साइन थर्टी इक्वल टू टी, दैट मीन्स की वन बाई टू, साइन थर्टी कितना होता है, वन बाई टू इक्वल टू टी, दैट मीन्स की फ्रॉम हियर वी कैन से दैट टी इक्वल टू वन बाई टी, ऑल राइट। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, लोअर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट, यानी कि अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो हमारा लोअर लिमिट क्या होगा, 1 बाई टू, और अपर लिमिट की बात करें तो कितना होगा, 1। दैट मीन्स कि अगर टी वेरिएबल में ही मुझे लिमिट को यूज़ करना है तो अपर लिमिट हमारा हो जाएगा 1 और लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ। तो क्वेश्चंस को रीराइट करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ पे रीराइट करेंगे, फाइनली वी कैन से दैट फ्रॉम हियर इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट हाफ, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा t टू द पावर 3 dt, ऑल राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये t फंक्शन के लिए हमने लिमिट यहाँ पे निकाल लिया है, तो अब मुझे x में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आंसर आएगा वो इसमें भी सही आएगा, ऑल राइट। तो हम क्या करेंगे, t टू द पावर 4 बाई 4, और इस पे लिमिट लगा देंगे हाफ से 1, ओके, हाफ से 1, तो एक बार 1 टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक बार 1 बाई 2 की पावर 4, अपान में क्या लिखेंगे, 4, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4, और ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन 64। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे कितना, 64, ऑलराइट, एलसीएम ले लेंगे 64,
कितना हो जाएगा यहाँ पे 16-1, दैट मीन्स कि 15/64। बिल्कुल आसान है, आप क्वेश्चंस के आंसर को अगर मैच कराएंगे तो दोनों का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसका आंसर टैली ना करें। ऑलराइट, तो बिल्कुल आसान है, पेशेंस के साथ काम करना है, पेशेंस के साथ काम करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हम गलतियाँ कर बैठते हैं। गलती कैसे होती है, हम लिमिट को चेंज नहीं करते हैं और उसी लिमिट में क्या करते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। और उसी लिमिट में जब आप प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चंस के गलत होने के 100% चांस होते हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ें, एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन, ओके फाइन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक रूल लगाएंगे, बेसिक रूल लगाएंगे। उस रूल के हिसाब से हम लिख सकते हैं x टू द पावर 3/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, यानी कि dx 1 का इंटीग्रेशन की बात करें तो सिर्फ क्या आता है, x आता है। तो यहाँ पे हम इस स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे, इस स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे, कितना आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे x आ जाएगा। अब इस पे हम क्या लगा देंगे, 0 टू 2 लिमिट लगा देंगे, 2 टू द पावर 3/3 प्लस का 2 यूज़ करेंगे। ऑलराइट, माइनस, अब देखिए ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी लोअर लिमिट में हम देखिए क्या लिखेंगे, 0 टू द पावर 3/3 प्लस का 0, जो कि कहाँ पे टेंड करेगा, पूरा ये 0 को लीड करेगा। तो आगे अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 8/3 प्लस का 2। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 8 × 6 = 14 अपान में कितना हो जाएगा, 3, जो कि ये भी एक क्या है, नंबर है और एक आंसर है जो कि एक रिजल्ट है। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सीखने को मिलेगा। ओके फाइन, तो आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स 0 to 2। ओके, अब देखिए अगर आप रिकॉल करिए, आप रिकॉल करिए तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आता था ई टू द पावर एक्स ही आता था। मैं जहां पे जरूरत पड़ेगा रिकॉल करते हुए चलूंगा ताकि आपको फिर से ये कनेक्ट हो जाए। ऑलराइट, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या आता था, ई टू द पावर एक्स ही आता था और इसमें हम लिमिट क्या लगा देंगे, 0 to 2। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई टू द पावर 2 माइनस ई टू द पावर 0 और ई टू द पावर 2 और कोई भी नंबर, कोई भी नंबर उसका पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एडवांस लगे, ठीक है, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टी इनडेफिनिट की याद आनी चाहिए। ऑलराइट, एक अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा ओके, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ऑलराइट, 0 to π/2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस का 2 dx। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने लोगों ने बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे बताया है कि केवल चेंजेस कहाँ पे आता है, उसके लिमिट में चेंजेस आता है और कहीं पे भी चेंजेस नहीं आता है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, पहला मोटो हमारा होगा इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने में हमारा मदद करेगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, साइन एक्स न्यूमिनेटर में है, कॉस एक्स डी एक्स भी है, इसका मतलब साइन एक्स को हम कुछ मान सकते हैं, साइन एक्स को कुछ मान सकते हैं। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम लोग ऐसा कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कर लें, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, ऑलराइट, साइन एक्स को टी मान लें, तो डिफ्रेंशिएट, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी टी, ये मिल जाएगा मुझे, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। अब हम पहले लिमिट्स की बात कर लें, हम लिमिट को भी चेंज करेंगे, हम लिमिट को भी चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करना हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। ओके, लिमिट चेंज करना सीख रहे हैं, तो अपर लिमिट की अगर हम बात करें, अपर लिमिट, अपर लिमिट कैसे मिलेगा मुझे, साइन एक्स में एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, अपर वाला पाई बाई टू, कितना रख देंगे,
इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइन एक्स इक्वल टू टी से, ये हमारा लिमिट को डिसाइड करेगा, जिसको हम मानते हैं पाई बाई टू लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे टी। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है 1 और ये टी, दैट मीन्स कि अपर लिमिट हमारा क्या आ गया 1, अपर लिमिट हमारा क्या आ गया 1। अब हम डिसाइड करेंगे लोअर लिमिट, किसको डिसाइड करेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट भी इसी तरीके डिसाइड कर लें। ओके, लोअर लिमिट की अगर हम बात करें तो वो हमारा कैसे डिसाइड हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा साइन ऑफ, लोअर में क्या है 0, साइन ऑफ 0 इक्वल टू टी। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है 0, तो 0 इक्वल टू टी, दैट मीन्स कि लोअर लिमिट हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमने लिमिट को यहाँ पे डिफाइंड कर लिया है। ओके, तो अगर क्वेश्चंस को अगर हम रीराइट करना स्टार्ट करें, ओके फाइनली क्वेश्चंस को अगर हम रीराइट करना स्टार्ट करें तो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से 1 और वेरिएबल कौन सा होगा टी होगा। साइन एक्स को हमने टी मान लिया है और कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे डी टी, तो क्या हो जाएगा टी डी टी, और साइन की जगह क्या लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस, और ये 3 साइन एक्स है तो कितना लिखेंगे 3t प्लस का 2 और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। आपको अगर याद आ रहा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने देखा था, पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे इसको स्प्लिट कर लेंगे। थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। 0 टू 1 टी डी टी अपॉन में अगर हम लोग देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1t, ओके प्लस का 2 और ये क्या हो जाएगा dt। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 टू 1 ऑलराइट टी डी टी अपॉन में अगर मैं t को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा t प्लस 2, ओके प्लस 1 कॉमन ले लेंगे t प्लस 2 ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 0 टू 1 ओके टी डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा t प्लस 2 ऑलराइट और t प्लस 1। फाइनली हमारा ये इसमें कन्वर्ट हो गया कि अब हम किस तरीके से हम 1 अपॉन जो फंक्शन दिया गया है a, एक फंक्शन दिया गया है x प्लस ए और x प्लस बी, उस रूल को अगर हम लोग लगाएं उस रूल के हिसाब से अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद से इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से अगर हम लोग इसको लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस 2 अपॉन टी प्लस 2 ऑलराइट। हमने जो टेबल प्रोवाइड किया है वहाँ से इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ओके और ये क्या हो जाएगा डी टी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो ऊपर लिखा गया है, हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो ऊपर लिखा गया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। और थोड़ा सा अब हम लोग क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या आता था लॉग एक्स ऑलराइट, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या आता था लॉग एक्स। तो इस स्टैंडर्ड की यहाँ पे मुझे क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस लॉग ऑफ क्या लिख सकते हैं एक्स की जगह टी प्लस 1 ऑलराइट, क्या लिख सकते हैं टी प्लस 1 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 log t प्लस 2 ऑलराइट, कौन से रूल से 1 अपॉन log वाले रूल से 2 log इतना लिख सकते हैं। और इसमें लिमिट कौन सा लगा है 0 टू 1। अब हम क्या करेंगे 0 टू 1 लिमिट लगा के और लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसको ओपन करने का प्रयास कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करेंगे अपर लिमिट को यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस log ऑफ 1 प्लस 1 ऑलराइट प्लस 2 log 1 प्लस 2 ओके। ये अभी मैंने कौन सा लिमिट यूज किया इसमें अपर लिमिट, लोअर के लिए हम यूज करेंगे माइनस ऑफ लॉग ऑफ 0 प्लस 1 ऑलराइट प्लस 2 लॉग 2 लॉग 0 प्लस 2 ऑलराइट। इसको अगर हम थोड़ा सा प्रोसीड करें तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 ऑलराइट। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, तो हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं माइनस लॉग 2 प्लस 2 लॉग 3 ऑलराइट माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉग क्या क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 लॉग 2 ऑलराइट। अब देखिए लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, लॉग 1 की वैल्यू कहाँ पे टेंड करती है 0 को टेंड करती है, तो ये क्या हो जाएगा 0। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा अगर हम देखें माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस 2 लॉग 3 ऑलराइट माइनस 2 लॉग 2। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस 1 लॉग 2 बेसिक प्रॉपर्टी है, एडिशन कर रहे हैं सिर्फ माइनस 1 लॉग 2 और माइनस 2 लॉग 2, दैट मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि माइनस 3 लॉग 2 प्लस का 2 लॉग 3 ऑलराइट। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
कि 2 log 3 माइनस 3 log 2। और बेसिक प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log ऑफ 3 to the power 2 a log m, यहाँ पे ये रूल यूज़ हो रहा है, n log m को हम लिख सकते हैं कि log ऑफ m log n, m टू द पावर n, ठीक है। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम की भी क्लास मैं लूँगा जैसे ही समय मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने इसको ओपन कर दिया। ऑल राइट, तो आगे अगर हम लोग देखें तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 2 to the power 3। ऑल राइट, अच्छा 3 to the power को मैं लिख सकता हूँ 9, दैट मीन्स कि लॉग 9 माइनस लॉग क्या हो जाएगा 8। अच्छा, एक रूल ये होता है कि लॉग लॉग ए बाई बी, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी। ओके, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसको लॉग ए माइनस बी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लॉग ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ कि लॉग ऑफ 9/8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, यहाँ पे किसी को लग रहा होगा ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, लॉग के किसी भी नंबर की एक वैल्यू ऑप्टेन होती है। तो ये भी क्या ऑप्टेन होगा, एक वैल्यू ऑप्टेन होगा। अब एमसीक्यू में कैसे पूछ लेगा हमसे, इसी क्वेश्चंस के बारे में अगर एमसीक्यू देना होगा तो कैसे पूछ लेगा कि लॉग ऑफ 8/9 आएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन दे देगा लॉग ऑफ 9/8 आएगा, थर्ड ऑप्शन दे देगा कि लॉग ऑफ 10। ओके, और फोर्थ ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा निकालने के बाद भी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 9/8। तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो समझ में आ रहा होगा। और अगर थोड़ा सा हम क्वेश्चंस के दायरे को बढ़ाएं, तो हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2। ऑलराइट, बिल्कुल बेसिक है, एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट का रूल लगेगा यहाँ पे, किस तरीके से हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग बात करें कि अगर दो फंक्शंस था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे, याद करिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे, दो फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया यहाँ पे एफ एक्स एंड जी एक्स, ऑल राइट, एफ एक्स एंड जी एक्स डी एक्स, इसके इंटीग्रेशन को अगर हम लोग देखें तो क्या मैंने कहा था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऑल राइट, माइनस होल इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ऑल राइट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे फंक्शन का हम क्या करते थे, पूरे का इंटीग्रेशन करते थे। तो ये हमारा रूल है, ये हमारा क्या है, रूल है। इसी रूल पे अगर हम इसको एक्सटेंड करें, तो बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऑल राइट, माइनस होल इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऑल राइट, और पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। बिल्कुल आसान है, और हम जो लिमिट हमें दिया गया है उस लिमिट से हम भाग नहीं सकते, उस लिमिट को लास्टली मुझे क्या करना है, यूज़ कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लिमिट यूज़ करना कौन सी बड़ी बात है। ओके, तो हम पहले क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लिमिट को यहाँ पे रख दिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा 1, इसका ई टू द पावर एक्स, तो फाइनली यहाँ पे बचेगा ये। ओके, अगर लिमिट को जैसे था एज इट इज हमने लिख दिया। ऑल राइट, थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ें, इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करें, तो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ऑल राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स ही आएगा। ऑल राइट, अगर ई टू द पावर एक्स ही आएगा, और फाइनल वे में हम लिमिट की बात करेंगे तो 1 to 2। अब हमारे पास सारे इंटीग्रेशंस आ गए हैं, सिर्फ लिमिट्स को मुझे क्या करना है, इसमें यूज़ करना है। तो हम फाइनली क्या करेंगे, लिमिट को यूज़ कर लेंगे, 2 into e to the power 2 माइनस ई टू द पावर 2, ऑल राइट, ये है अपर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे 1 into e to the power 1 माइनस ई टू द पावर 1। ओके, फाइनली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 e to the power 2 माइनस ई टू द पावर 2 और माइनस ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लास्टली अगर हम लोग देखें
टू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम लोग देखें दो में से एक ई स्क्वायर का सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिलेगा, ई स्क्वायर। ओके ऑल राइट। तो यहाँ पे अगर एम सी क्यू की बात करें तो एम सी क्यू किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन होता है, ई सेकेंड वन की बात करें ई स्क्वायर, थर्ड वन की बात करें ई टू द पावर थ्री, फोर्थ वन की बात करें नन ऑफ दिस। ओके, तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा बी पार्ट बन जाएगा। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी को मुझे यूज़ करना है। बेसिक प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। बट लिस्ट नहीं होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, बस लिस्ट नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस के कंपटीशन में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। ओके फाइन, तो आज के अंतिम क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। ओके फाइन, ओके तो क्वेश्चंस का टाइप मैं लिख ले रहा हूं जिस तरीके से, इट इज गिवन दैट आई एन इक्वल टू 0 to π/4 ऑल राइट, टेन टू द पावर एन एक्स dx, n belong to natural number, all right, काफी अच्छा सवाल है। then calculate the value of in plus in minus 2, all right, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए ये कोई नया नहीं है, अगर आपको याद आ रहा होगा कि tan की पावर n का इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, तो आपको अगर रिकॉल आ रहा होगा कि tan की पावर जो भी रहती थी, हमें tan के फंक्शंस को रिड्यूस करना रहता था sec के फॉर्म में, क्योंकि tan x का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, sec स्क्वायर x। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे सेक में, और इसके किस तरीके से हम इसको ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा अगर मैं प्रोसीड करूं तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मुझे करना कैसे है, क्योंकि मैं इंडिफिनिट में ऐसे क्वेश्चंस कराया हूं, सिर्फ यहां पे एक आईएन शब्द नया जुड़ गया है और एक लिमिट यूज हो गया है, एन एक नेचुरल नंबर होगा। तो अगर जो गिवेन है उसी से हम स्टार्ट करें इसके सोल्यूशंस को। आईएन दिया है 0 to π/4 ऑल राइट, आईएन दिया है 0 to π/4 टेन टू द पावर एन एक्स टी एक्स वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर ऑल राइट, ये कंडीशन है, एन नेचुरल नंबर है। तो इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो टेन स्क्वायर एक्स होना चाहिए, टेन स्क्वायर एक्स अगर हमारे पास रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेक स्क्वायर के टर्म में यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि sec square theta equal to क्या होता है 1 plus tan square theta, तो sec square theta की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, tan square theta की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, sec square theta minus 1, all right? तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा rewrite करने का अगर हम प्रयास करें तो 0 to π/4 अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, tan to the power n minus 2x, हमने क्या किया, दो पावर को रिड्यूस किया, दो पावर को अगर रिड्यूस किया है तो दो पावर को मुझे एड भी करना होगा, दो पावर को हमने क्या किया, रिड्यूस किया, तो दो पावर को हमने ऐड कर दिया उसी फंक्शंस पे, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जुड़ने पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो मुझे मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि टेन स्क्वायर जब भी हम यहाँ पे मानेंगे टेन का फंक्शन, वो sec x dx के फॉर्मेट में आएगा, और हमें एक रिलेशन पता होता है कि sec square theta equal to 1 plus tan square theta, तो वहाँ से हम इसको तब भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। अगर इनडेफिनिट की बात करें तो इनडेफिनिट में भी मैंने इसको बता रखा है कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक नेचुरल नंबर यहाँ पे ऐड हो गया है
जिसके कारण भयभीत हो जाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना है। हमें अपने प्रोटोटाइप पे ही चलना है कि टैन की कोई भी पावर हो उसको सेक में मुझे कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं जब भी टैन एक्स को मानूंगा और उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स आएगा। दैट मीन्स कि हमारे क्वेश्चन में न्यूमिनेटर पोर्शन में sec square x dx होना मस्ट है, तो इसीलिए मैंने इसको tan square x में कन्वर्ट किया। तो एक नोट करके लिखेंगे, एक बेसिक रिलेशनशिप होता है ट्रिग्नोमेट्री की, अगर हम बात करें तो वहाँ पे होता है कि sec square theta equal to होता है 1 plus tan square theta। इस स्टैंडर्ड की हेल्प से अगर tan square theta की जगह हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं sec square theta minus 1। दैट मीन्स कि मैं अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे रीराइट करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, IN equal to integration of 0 to pi by 4, all right। तो इसको मैं लिखूंगा tan n to the power minus x, और tan square x की जगह मैं क्या लिख दूंगा कि sec square x minus 1 dx। किसी को भी कोई आपत्ति और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, all right। बिल्कुल बेसिक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ, हमने 20 लेक्चर्स लिए हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को क्यों सेक में कन्वर्ट करते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ, 0 टू पाई बाई 4, ऑलराइट, तो टेन एन माइनस टू एक्स, ओके, सेक स्क्वायर एक्स, एक डी एक्स ये आ जाएगा। दूसरे इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो वो सिंपल इंटीग्रेशन होगा 0 टू पाई बाई 4, ऑलराइट, और टेन n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब देखिएगा, देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चंस की ब्यूटी, समझिए, जब n के टर्म में था, जब n के टर्म में था, ऑलराइट, जब n के टर्म में था तो यहाँ पे हमें क्या मान लिया था, यहाँ पे गौर करिएगा, जब n के टर्म में था तो IN इक्वल टू टेन टू द पावर एन एक्स डी एक्स था n के टर्म में। अगर n की जगह n माइनस टू लिख देंगे तो इस प्रॉपर्टी से, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन डाल दूं, ओके फाइन, इक्वेशन नंबर वन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या मैं इसको आई एन माइनस टू लिख सकता हूं, आई एन माइनस टू लिख सकता हूं, क्योंकि n को रिप्लेस कर दिया किससे, n माइनस टू से, बाकी चीजें वही है। दैट मीन्स कि अगर क्वेश्चंस को रीराइट करें यहां पे, आई एन इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ऑल राइट, टू टेन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, ओके, sec स्क्वायर x डी एक्स माइनस, इसको क्या लिख देंगे, आई एन माइनस टू। यही मुझे कैलकुलेट करना था, तो पहले मैं अपने क्वेश्चंस को रिफॉर्म करूंगा जो मुझे पूछा गया है। दैट मीन्स कि अगर मैं आई एन माइनस टू को लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू ये बराबर हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 टेन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ऑलराइट, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा अब रिफॉर्म होना शुरू हो गया है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन रिफॉर्म हो रहा है, ओके। अब सोचिएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको और आपको याद दिलाऊं, एक स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इसको रीराइट करते हैं तो क्लियर दिखेगा आपको कि क्या हो रहा है। आई एन प्लस आई एन माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, tan x की जो पावर है वो n माइनस टू, ऑलराइट, समझिएगा, tan, यहां पे dx इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होके आया है, ऑलराइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan x, ओके फाइन, तो tan x की पावर n माइनस टू, ओके, आगे अगर हम लोग बढ़े तो इनटू क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x dx। अब समझिएगा, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, इसीलिए इनडेफिनिट को पहले पढ़ाया जाता है, बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करके। अगर आपको रिकॉल हो रहा होगा कि एक इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया था कि fx की पावर n इनटू f डैश x, इसका रिजल्ट आता था कि fx की पावर n प्लस 1, ऑलराइट, अपॉन में n प्लस 1, बिल्कुल आसान है, प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट। दैट मींस कि अगर कोई फंक्शन है, उसकी कोई पावर है और उसका डेरिवेटिव उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आता था fx की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं एडवांस बता रहा हूं, मैं वही चीज यहां पे डिस्कस करूंगा जो पहले 20 लेक्चर्स में हो चुके हैं, और जो भी क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी जहां पे यूज होगी मैं आपको रिकॉल कराता रहूंगा। अब सोचिए, अगर मैं यहां पे अज्यूम कर लूं, लेट fx इक्वल टू tan x, ध्यान दीजिएगा, fx को अगर हम tan x मान लो तो क्या f dx हमारे सामने क्या आ जाएगा, sec square x dx, ऑलराइट। अब देखिएगा, fx की पावर n यहां पे है,
एफ एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस टू है, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि ये प्रोटोटाइप उसी का है। यानी इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के बेस पे अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका हो जाएगा tan x इसका पावर क्या लिखेंगे, n माइनस टू प्लस का वन अपॉन में क्या लिखेंगे, n माइनस टू प्लस का वन। और इस पे हम लिमिट कौन सा लगा देंगे, जो लिमिट दिया है 0 to π/4। ऑल राइट, बिल्कुल आसान है, कुछ भी एडवांस नहीं है। यानी क्वेश्चंस को अगर हम रीराइट करें यहाँ पे, क्वेश्चंस को रिफॉर्म करें, रीराइट करें यहाँ पे, तो फाइनली वी कैन से दैट फ्रॉम हियर, फाइनली यहाँ पे हम लिख सकते हैं IN प्लस IN माइनस टू। यहाँ पे जो रिजल्ट आया है हमारे सामने, tan x इसके पावर में क्या आया है, n माइनस टू प्लस वन, एफ एक्स की पावर n प्लस वन अपन क्या लिखेंगे, n प्लस वन। दैट मीन्स कि n माइनस टू प्लस वन, और इस पे जो लिमिट हमने लगाया है वो जीरो से क्या लगाया है, पाई बाई फोर। ऑल राइट, जीरो से क्या लगाया है, पाई बाई फोर, जो दिया था उसको मैंने लगा दिया, क्योंकि x में है तो हम यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, सीधा लिमिट को इसमें प्लेस कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि tan x ये पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n माइनस वन अपान क्या बचेगा, n माइनस वन। ऑल राइट, n माइनस वन अपान n माइनस वन, और लिमिट लग जाएगा 0 to π/4। फाइनल वे में अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा, tan π/4। ऑल राइट, tan π/4 की पावर n माइनस वन अपॉन में क्या लिखेंगे, n माइनस वन, और n माइनस वन ओके, ये हमारा अपर लिमिट अभी मैंने यूज़ किया है, अपर लिमिट यूज़ किया है। और लोअर लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा tan 0 की पावर n माइनस वन। ऑल राइट, अपॉन में क्या लिखेंगे, n माइनस वन। फाइनल वे में अगर हम इसको और कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan π/4, दैट मीन्स कि tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1 की पावर n माइनस वन अपॉन क्या लिखेंगे, n माइनस वन। और यहाँ पे देखिए tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। ऑल राइट, कोई भी नंबर 0 है अगर उसका पावर कुछ भी होगा रिजल्ट क्या आएगा, 0, और 0 अपॉन एनी नंबर, नॉन जीरो नंबर, उसका भी रिजल्ट कहाँ पे आता है, 0। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम बात करें तो ये पूरा इंटायर एक्सप्रेशन कहाँ पे टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, और 1 की पावर n माइनस वन यन अगर एक नेचुरल नंबर है तो उसका भी रिजल्ट क्या आता है, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, n माइनस वन। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो IN प्लस IN माइनस टू की वैल्यू जो ऑब्टेन होके मुझे आई है 1 अपॉन n माइनस 1। तो बहुत अच्छा सवाल है ये बोर्ड एज वेल एज द IIT JEE के रिस्पेक्ट में, तो बिल्कुल आसान है। और MCQ की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस दे देगा कि 2 अपॉन n माइनस 2। ऑल राइट, बी ऑप्शन दे देगा 1 अपॉन n प्लस 1। ऑल राइट, सी ऑप्शन दे देगा कि 1 अपॉन n माइनस 1। डी ऑप्शन दे देगा कि n-1/1। ऑल राइट, बिल्कुल आसान है। तो जैसे जैसे आपने देखा कि हमने सिर्फ बेसिक और सिंपल स्टेप्स को ही यूज़ किया है, किसी भी एडवांस स्टेप को यूज़ नहीं किया है, और जो भी प्रीवियस क्लास में हमने यूज़ किया है उसी को हमने यूज़ किया है, कुछ भी अपने तरफ से इसमें ऐड ऑन नहीं किया है। ओके फाइन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और एक चीज़ आपको बता दें, लिंक के डिस्क्रिप्शन को जब भी आप चेक करेंगे तो उसका ई नोट्स उसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है आधे एक घंटे के बाद। वहाँ से आप, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से भी आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, और कुछ ही दिनों में कंप्यूटराइज नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे पूरा ई नोट्स के फॉर्मेट में। ऑलराइट, तो ये सेशन अभी स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यू चलेगा, तो बेझिझक 9 to 10 लेक्चर्स मैं लूँगा इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 9 to 10, थोड़ा सा लेक्चर्स इसमें बड़े लेंगे और जल्दी से जल्दी इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।